बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सरवदनास। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल्स में टेम्पररी स्लाइड्स की स्टडी करवाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको स्लाइड्स को किस तरीके से माउंट किया जाता है वो समझाया था, तो आज मैं आपको तमाम स्लाइड्स की स्टडी समझाऊंगी। पहली स्लाइड जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो है अनियन की एपिडर्मिस की। तो पहले अनियन की एपिडर्मिस को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अनियन की एपिडर्मिस को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि अनियन के कवर को रिमूव करोगे और उसको क्वार्टर पीसेस में कट कर देंगे, ठीक है। क्वार्टर यानी चार हिस्सों में अनियन को आप तकसीम कर दोगे। फिर उसके बाद अनियन का जो बाहें वाला कवर है इसको आप इस तरीके से रिमूव करेंगे और इसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से, जैसे आप डायग्राम पिक्चर में देख सकते हैं, फिंगर से आप इस तरीके से प्रेस करोगे कि कॉनकेव साइड जो है अंदर हो जाएगा और ये जो है बेंड बिल्कुल करके फिर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे फिंगर्स की हेल्प से या फोर्सेप्स से भी आप इसको खोलेंगे, ठीक है। और इसकी एपिडर्मिस लेयर को जो है ये बारीक सी बिल्कुल झिल्ली की तरह आपको नजर आ रही है, इसको आप पील ऑफ करेंगे फोर्सेप की मदद से या फिंगर से और स्लाइड के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आप वो वाला फॉलो करोगे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि स्टेनिंग का मेथड, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको स्टेन करेंगे और उसकी स्टेन करने के बाद आप स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डालोगे और इसके ऊपर एपिडर्मिस लेयर रख देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से और जो एक्स्ट्रा स्टेन जो साइड से निकल रहा है उसको टिश्यू पेपर की मदद से आप रिमूव कर देंगे और इस तरीके से आपकी स्लाइड अनियन एपिडर्मिस की प्रिपेयर्ड हो गई है। अनियन का साइंटिफिक नेम है इलियम सीपा। जब हम स्लाइड बना लेंगे उसके बाद हम माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप में तीन ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, आपको पहले भी स्टडी करवा चुकी हूँ, 10 का और 5 का और 40 का, ठीक है। तो आप पहले 5 पे लगा के देख सकते हैं और अगर आपको और क्लियर पिक्चर देखनी है तो आप 10 पावर एक्स पे लगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आएगा अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अनियन की एपिडर्मिस जो है वो कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर, यानी एक लेयर सेल्स की होती है और सेल्स के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इनके दरमियान कोई किसी किस्म का इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं होता, यानी कोई गैप नज़र नहीं आएगा। माइक्रोस्कोप में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आएगा, ये बिल्कुल कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इनका ये हर सेल जो है वो सराउंडेड होता है सेल वॉल से। ये बाहर वाली आप लेयर देख रहे हैं ये सेल वॉल की है। ये जो है ये कंपोस्ट होती है सेल्युलोज से। इसके अंदर आपको दूसरी मेम्ब्रेन नजर आएगी जो कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप में भी इसी तरीके से नजर आएगा, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से कवर्ड हुआ है। यहाँ पे ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मौजूद है और आपको पता है कि प्याज जो है वो ग्रीन कलर उसमें मौजूद नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है। बाहें वाला एपिडर्मिस जो है उसकी फ्लैशी लीव जो है वो कलर्ड होती है क्योंकि उसके अंदर दूसरे कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि अंदर वाली एपिडर्मिस कलरलेस होती है। अंदर प्याज आप देखते हैं अंदर से वाइट होती है और बाहर से पर्पल होती है, तो इसकी वजह ये होती है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको इसके अंदर सेल के अंदर वैक्यूल भी नजर आ सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सेकेंड स्लाइड जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू क्लोरोफाइटा, यानी ये ग्रीन एल्गा है। ग्रीन एल्गा या कोई भी किस्म का एल्गा वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या मेरीन भी हो सकते हैं। तो वॉलवॉक्स जो है वो फ्रेश वाटर एल्गा है, यानी ये पाउंड्स लेक स्ट्रीम्स में पाया जाता है। जो मेरीन एल्गा होते हैं वो समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है फ्रेश वाटर एल्गा है और ये हमेशा कॉलोनी में पाए जाते हैं। आप
ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है ये स्लाइड जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरीके से नजर आएंगी। ये जो बड़ी बॉडी बनी हुई है ये है मदर कॉलोनी, इसके अंदर आपको छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज नजर आ रही है। ठीक है, तो अब हम ब्लैक बोर्ड की डायग्राम देख सकते हैं, ये मदर कॉलोनी है और इसके अंदर डॉटर कॉलोनीज है। ये सारी जो कॉलोनीज है वो कवर हुई भी होती है जेलेटिनस शीट से, जेलेटिनस मास से कवर हुई भी होती है। अब आप एक स्ट्रक्चर इसके अंदर बहुत सारे, ये देखें ये वॉल वॉक्स से पूरा ये कवर हुआ हुआ है। अब हम एक वॉल वॉक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से देखें, ये यहाँ पे एक वॉल वॉक्स की हम इसकी क्लोजर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें और क्लाइमेटोग्नस के स्ट्रक्चर को देखें जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि ये कॉलोनी में पाए जाते हैं जबकि क्लाइमेटोग्नस अकेले होते हैं। ठीक है, तो ये वॉल वॉक्स जो है ये साइड से जो है अटैच होते हैं किससे, साइटोप्लाज्मिक स्टैंड से। ठीक है, यहाँ देखें ना बहुत सारे वॉल वॉक्स होंगे, अगर ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड से अटैच नहीं होंगे तो ये अंदर कैसे फिक्स रहेंगे। तो ये हर वॉल वॉक्स जो है अंदर अटैच हुआ हुआ होता है साइटोप्लाज्मिक स्टैंड से। ठीक है, अच्छा अब इसके इंटरनल अगर आप इसके शेप पे जाएं तो ये कहलाता है पायरीफॉर्म इन शेप। ठीक है, यानी ये किडनी की तरह थोड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है और ये होता है बाईफ्लैजेलेट, यानी इसके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं। अब फ्लैजेला का काम क्या होता है, इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अच्छा अब ये लाइट सी बात है, सारे बहुत सारे वॉल वॉक्स हैं, सबके दो दो फ्लैजेला हैं, तो ये सब मूव करेंगे तो पूरी कॉलोनी एक साथ इसकी मूव होगी, इंडिविजुअल मूव नहीं होगा क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड से अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपको दो राउंड बॉडीज नजर आ रहे हैं, ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करता है, रेगुलेट करता है, बैलेंस कर सकता है। अच्छा अब इसके क्लोरोप्लास्ट को देखें आप, ये देखिए कप, बिल्कुल कप की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये है इसका क्लोरोप्लास्ट। इसका खास शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का वॉल वॉक्स का, जो कहलाता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म से, जहाँ पे आप अंदर की तरफ आप एक बॉडी आपको नजर आएगी जो कहलाती है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड का काम क्या होता है, ये स्टार्च को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके इस साइड पे आपको एक नजर आ रहा है डॉट, दिस इज नोन एज आई स्पॉट। इसका काम क्या होता है, ये सेंसिटिव टू लाइट होता है। ठीक है, तो इसकी मदद से इसे चीजों का नजर आ सकता है और ये कहलाता है आई स्पॉट। ठीक, ये था वॉल वॉक्स जिसकी हमने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की भी स्टडी की और इसकी पूरी कॉलोनी के बारे में भी जान लिया। थर्ड स्लाइड है नॉस्टॉक की। नॉस्टॉक बिलोंग्स टू साइनोफाइटा, यानी ये ब्लू ग्रीन एल्गा है जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। मेन कैरेक्टर आप सबको पता है प्रोकैरियोट्स का, कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, और ये जो है वॉल वॉक्स की तरह कॉलोनी में पाए जाते हैं, जिसको जो कि राउंड बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है इस कॉलोनी का, इसको कहते हैं कैनोबियम। कैनोबियम में बहुत सारे फ्लेमेंट होते हैं और हर फ्लेमेंट कहलाता है ट्राइकोम। ट्राइकोम में बहुत सारे बैरल शेप के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं हम वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, अच्छा अब इन बैरल शेप के सेल्स जो यानी वेजिटेटिव सेल्स के दरमियान लार्जर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये कहलाते हैं हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके थ्रू होती है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो है वो थिक वॉल एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं जिसको अकाइनाइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये बराबर में जो पिक नजर आ रही है ये नॉस्टॉक की जो है ये वो तस्वीर है जो कि आप स्लाइड जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर आप ऑब्जर्व करेंगे 10 पावर लेंस पर तो आपको बिल्कुल इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जब आप स्लाइड बनाओगे तो नॉस्टॉक का आप जब पूरा काम कर लेंगे, आप स्टेन वगैरह आपने कर लिया स्लाइड का, उसके बाद आप ये करेंगे कि
आप जब उसको टैप जरूर करेंगे, यानी आप उसको थोड़ा सा पीसेस में तोड़ोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर जो है वो आपको गुच्छे मतलब ये बिल्कुल अलग होते हुए आपको नजर नहीं आएगा, एक साथ गुच्छों में नजर आएगा, तो थोड़ा सा आपको टैप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरीके से पिक्चर नजर आएगी आपको अंडर माइक्रोस्कोप। फोर्थ स्लाइड है पेनिसिलियम की। ये सेप्रोफाइटिक फंगस है जिसको हम कॉमनली ग्रीन या ब्लू ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, यानी ये डबल रोटी पे जो फंगस लगती है ये वो वाली फंगस कहलाती है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये कंसिस्ट करता है माइसीलियम का, इसकी बॉडी माइसीलियम लाइक होती है जिसमें सेप्टेट हाइफी होती है। सेप्टेट आपको पता है यानी सेगमेंट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है, और हर हाइफी जो है वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे कोनिडियोफोर। अब आप कोनिडियोफोर को देख लें, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, कोनिडियोफोर जो है वो प्रोड्यूस करता है बॉटल लाइक शेप स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं स्टेग्मेटा। स्टेग्मेटा जो है यूनि न्यूक्लेटेड होता है और ये प्रोड्यूस करता है चेन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कोनिडिया। फिर ये कोनिडिया जो है वो बड़े हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं माइसीलियम, ठीक है। और यहाँ पे जो बराबर में पिक आप देख रहे हैं ये है वो पिक जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने पे आपको इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। ये स्लाइड भी बनाते हुए आपको जो है स्लाइड जब आप स्टेन वगैरह कर लें तो उसके बाद आपको टैप करना होता है, ठीक है। टैपिंग करने से जो है ये गुच्छे जो है ये अलग होना शुरू हो जाते हैं और आपको ये इंडिविजुअल फ्लेमेंट जो यानी कोनिडियोफोर आपको अलग से होते हुए नजर आएंगे और आप इसको क्लोज लुक देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप कितने पावर लेंस पे देखोगे, 10 पावर लेंस पर। लास्ट स्लाइड है ईस्ट की, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये यूनिसेलुलर फंगस है, इसका स्ट्रक्चर ओवल या स्फेरिकल इसका शेप होता है और ये सराउंडेड होता है सेल वॉल, आप देख सकते हैं बाहर सेल वॉल मौजूद है और इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है बड़ा सा, यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है और इसमें सिंगल या ज़्यादा भी जो है वैक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं और ये ग्रैनुलर आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है ये वाली बॉडीज जो है आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है, ये पावर हाउस सेल्स के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप स्टोरेज ग्रैन्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मौजूद है, ठीक है। और कुछ सेल्स में जो है बडिंग पाई जाती है जो कि एसेक्सुअल मेथड है ईस्ट का, ठीक है। और इस बडिंग के नतीजे में एक या बहुत सारे चेन सेल्स के बनते हैं जिसको हम सूडो माइसीलियम भी कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स माइसीलियम, ठीक है। अब जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे 10 पावर लेंस पर तो आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आएगा, बिल्कुल दाने दाने नजर आएंगे। ये ईस्ट की इस तरीके से आपको अंडर माइक्रोस्कोप नजर आएगा। आई होप अब आप टेम्परेरी स्लाइड्स खुद बना सकेंगे। थैंक यू।